हरे कृष्णा। अगर मैं आपको बोलूं कि अब हमेशा से आप एक शेर के साथ रह रहे हो तो आप क्या सोचोगे? आप बोलोगे क्या पागल हो गए हो क्या, मेरे घर में कुत्ता तक नहीं है, शेर कहाँ से लाऊंगा। नहीं, मैं कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पालतू जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेर की बात कर रहा हूँ। पता है वो शेर कौन है? वो शेर है हमारा मन। हम चर्चा करेंगे कैसे ये मन शेर है और कैसे ये शेर को काबू में रखना है। जब भी हम कोई जंगल सफारी पे जाते हैं तो हम एक कन्फाइंड एक गाड़ी में जाएंगे, है ना, जो एक गाड़ी ही एक पिंजरे की तरह होती है जहाँ कोई भी जंगली पशु आके कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता। एक शेर आके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वैसी गाड़ी लेके जाते हैं हम जंगल सफारी में। और अगर हम जू में जाते हैं, एक चिड़ियाघर में जाते हैं, वहाँ पे शेर एक पिंजरे में कैद होता है और हम बाहर घूम रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमेशा से शेर है उससे एक दूरी बना के चलते हैं, उसको शेर को, क्या हम खुद पिंजरे में रहते हैं या शेर को पिंजरे में रखते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हम दोनों खुले में एक साथ हो। अगर सोचिए कि कोई पिंजरा नहीं है, ना आप पिंजरे में हो ना शेर पिंजरे में है, और आप दोनों एक साथ हो खुली जगह में, तो क्या होगा? आपकी बचने की उम्मीद ना के बराबर है। तो प्रश्न यहाँ पे ये है कि हम इसकी तुलना अपने मन के साथ कैसे कर सकते हैं। हमारा मन भी एक शेर की तरह है, इसलिए कभी कभी हम मन को एक पिंजरे में, एक बॉक्स में रखते हैं कि मन कितनी भी इच्छा करता है हमें, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, मन बहुत ट्रिक करता है वो पिंजरे में से बाहर निकलने के लिए। पर हम क्या करते हैं, हम एक डिसिप्लिन से उसको टालते हैं। हमारे मन की जो गतियाँ है, हमारा मन जो इच्छाएं करता है इंद्रियों के विषय को भोगने की, हम क्या करते हैं, एक डिसिप्लिन से उसको टालने का प्रयास करते हैं। और इसी को बोला जाता है कि मन को हमने कैद किया हुआ है एक पिंजरे में। और दूसरा प्रकार यह है कि चलो छोड़ दो कि मन खुला है, वो तरह तरह की बातें करेगा, लेकिन आप अपने आप को पिंजरे में बंद कर दोगे कि नहीं, मन कुछ भी बोले मैं उसकी विम्स के हिसाब से चलने वाला नहीं हूं। आप अपने आप को अपनी इंटेलिजेंस की, अपनी बुद्धिमत्ता के पिंजरे में आप कैद कर लेते हो। इसलिए मन की तुलना शेर के साथ की गई है। अगर मन को खुला छोड़ दोगे तो मन जरूर हम पे हमला करेगा और वो हमला बहुत घातक हो सकता है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में, ध्यायतो विषयां पुंसा संगास्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। कहने का मतलब, ध्यायतो विषयां पुंसा, विषयों का ध्यान करने से संगास्तेषुपजायते, उस विषयों का संग करने की इच्छा होती है। तो हमारा मन क्या करता है, इंद्रियों के विषयों को भी ध्यान करता है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मैं ये मूवी देख लूँ तो मेरे को आनंद मिलेगा, मैं ये खाना खा लूँ, मैं ये व्यक्ति का संग कर लूँ। हमारा मन तरह तरह की ट्रिक करता है, क्या बोलते हैं, उनका विषयों का ध्यान करने से उन विषयों के साथ संग करने की इच्छा होती है। संगात संजायते कामा, एक काम उत्पन्न होता है उस विषयों का चिंतन करने से, कामत क्रोधो भी जाए थे। और अगर आपकी वो इच्छा जो होती है विषयों का संग करने की वो पूरी नहीं होती तो क्या होता है, कामत क्रोधो भी जाए थे, क्रोध उत्पन्न होता है। इसके ठीक बाद वाले श्लोक में भगवान बताते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह, एक मोह उत्पन्न होता है, और मोह उत्पन्न होने से हमारी याददाश्त का नाश होता है, और याददाश्त का नाश होने से हमारी बुद्धि चकरा जाती है, और बुद्धि चकराने के कारण हम हमेशा से इस संसार के विष चक्र में जो फंसे हुए हैं वहां पे फंसे रह जाते हैं। भगवान बहुत क्लियरली बताते हैं, ये साइंस है अंडरस्टैंडिंग का। इसलिए मन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और मन पे कंट्रोल हमें आर्टिफिशियली नहीं करना है। और अगर देखा जाए तो मन कभी कंट्रोल में रह ही नहीं सकता, जैसे एक नदी बह रही है वैसे ही मन की भी गति है,
वो मन भी हमें हमेशा से कार्यरत रहता है, कभी उसकी कार्य करने की क्षमता खत्म नहीं होती है। हमें उसको सही दिशा देनी है। हमारे मन को सही दिशा देने से हम हमारे मन को कंट्रोल कर पाएंगे। दैट इज द ओनली वे आउट। अगर आपको कुछ देखना है, मन चाहेगा कुछ देखना है, YouTube के अंदर तरह तरह के लेक्चर्स हैं, तरह तरह के भजन हैं, तरह तरह के कीर्तन हैं, हम ये वो सुन सकते हैं। अच्छे अच्छे कीर्तन हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर हैं जो हमें जीवन में एक नई दिशा दे पाए। अगर हम एक फालतू सा कोई लेक्चर कोई वीडियो देखेंगे जिसे हमें कुछ भी हासिल नहीं होना है, तो हम हमारा समय बर्बाद करेंगे। हमारा मन तो बोलेगा हमें, चलो ये वीडियो देख लेता हूँ 5 मिनट, वो देख लेता हूँ 5 मिनट, थोड़ा कॉमेडी देख लेता हूँ, थोड़ा ये करता हूँ, थोड़ा वो करता हूँ। फिर हम कैरिड अवे हो जाते हैं। वो 5 मिनट कब 50 मिनट में तब्दील हो जाती है पता नहीं चलता, और वो 50 मिनट कब 5 घंटे में तब्दील हो जाते हैं पता नहीं चलता। एंड वी वेस्ट आवर होल डे। ठीक वैसे ही हम एक हमारे मन को अगर सही दिशा देंगे तो हमारा मन हमें खींचा नहीं ले जाएगा, हम हमारे मन को खींच के किसी और दिशा में ले जाएंगे। एक होता है कि अगर आप मन पे कंट्रोल कर रहे हो या फिर आपका मन आप पे कंट्रोल कर रहा है। ज़्यादातर केस में देखा जाता है जो व्यक्ति की सेंसेस अनकंट्रोल्ड है, उसका माइंड अनकंट्रोल्ड है, उस पर देखा जाता है कि वो व्यक्ति को उसका मन खींच के ले जाता है। जो व्यक्ति आजकल बहुत सारे लोगों में स्मोकिंग ये वो बहुत गलत गलत आदतें हैं, है ना, कुछ खाने की कुछ पीने की, और बोलता है नहीं यार मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मुझे ये चाहिए, मेरा मन नहीं मानता है। वही तो दिक्कत है, तुम्हारा मन नहीं मानता है, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे मन के हाथ में है। ऐसा क्यों करना है? वो मन का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। जैसे पहले डिस्कस किया हमने कि मन एक शेर की तरह है। अगर आप ये सोचोगे कि मन को पिंजरे से निकाल देते हैं या फिर हम पिंजरे में से बाहर निकल जाते हैं और मेरा मन कंट्रोल में है वैसे मेरा, है ना, हम ऐसा सोचेंगे जरा भी और उसको बाहर निकाल दिया पिंजरे में से, तो क्या होगा? वो शेर को बाहर निकालने के बराबर है। शेर भी बाहर है, आप भी बाहर हो। तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है हमें कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, कभी भी नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का मन भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हो जाता है, तब तक मन कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसीलिए उसकी तुलना शेर के साथ की गई है। जब भगवान का हाथ पड़ जाता है उसके ऊपर, भगवान जब हाथ फिरा देते हैं मन के ऊपर, तब मन कंट्रोल में, वो शेर कंट्रोल में आ जाता है। फिर किसी पिंजरे में रखने की जरूरत नहीं है, वो शेर एक पालतू बन जाएगा आपके लिए। ठीक वैसे ही आपका मन भी आपका दोस्त बन जाएगा। अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि हमारे मन को हम कंट्रोल करें कैसे? ज्यादातर हमने कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं है। हमने हमेशा से वो करते आए हम लोग जो हमारा मन चाहता है, वो सही है गलत है हमने नहीं सोचा है। जब व्यक्ति की अध्यात्म में रुचि बढ़ती है तब पता चलता है उसको कि मेरे अंदर काफी ऐसे मेरे कार्यकलाप है जो मेरे मेरे मन से वो डिजाइन होते हैं, और उसके बाद हम वो डिजाइन में चेंजेस करना शुरू करते हैं, हमारे मन को दिशा देना शुरू करते हैं। तो जब व्यक्ति की आध्यात्म में रुचि बढ़ती है तब जाके पहले तो हमें ये रोग के बारे में पता चलेगा कि ये मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो एक डिसीज है। और वो जब पता चलता है तब उसका क्योर शुरू होता है। वो क्योर क्या है? भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन में 24 घंटा है, अब दिन में सिर्फ 8 से 10 मिनट देकर भगवान के नाम का जप कीजिए। 108 बार जप करने से एक माला बनती है। भगवान के नाम का ये जो हरि नाम, हरे कृष्णा महामंत्र है, हरि नाम है, उसका अगर हम दिन में एक माला जप करेंगे, शुरुआत करेंगे कहीं से, तो धीरे 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 हम हमारे मन को कंट्रोल बनाने की शुरुआत कर देंगे। जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब हम किसी वैष्णव से सुनेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा रोग कितनी सीवियरिटी पे है और उसके हिसाब से उसको क्योर देना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके हम डोज देते जाएंगे अपने आप को, अपने मन को, हमारे मन के अंदर सही सही इनपुट डालते जाएंगे तो मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आता जाएगा, हमारी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगती हो जाएगी।
हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हम स्टडी करते हैं करना है, हम बिजनेस करते हैं जॉब करते हैं, हमें वो भी करते रहना है। साथ साथ में हमें ये भी करना है कि हम हमारे मन को कंट्रोल में करके हमारे जीवन का उद्धार करें और जीवन को सही दिशा दें। भगवान भगवद गीता में जो बताते हैं वो रास्ते पे चले, और भगवान ने जो डेस्टिनेशन दिया है भगवद गीता में उस डेस्टिनेशन को अचीव करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण।